आज तुम्हें भोले बाबा की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अपने भक्तों पे भोलेनाथ कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। देवों और दानवों के बीच में युद्ध हुआ घमासान, दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहराम। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म, धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन, तब इंद्र जी हो गए लाचार। सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार। एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए, सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन, समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा चल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर। महादेव की लीला लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, सागर मंथन से सारे घबराए। सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा
कृपा है भोलेनाथ, सृष्टि खोली जो बचा। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव शंभो उनका कंठ पड़ गया नीला, शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए, कंठ पड़ गया नीला भोले नील कंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देव दानव हर्षाए, महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए। असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाने को देव दानव बैठे कतार में, सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारे करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दानवों के बीच में युद्ध हुआ घमासान, दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहरा। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म, धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन तब इंद्र जी हो गए लाचार, सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार। एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए, सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन, समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए।
मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा जल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर। महादेव की लीला लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निकला सागर मंथन से सारे घबराए, सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि खोली जो बचा। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। पी गए विष शिव शंभु, उनका कंठ पड़ गया नीला। शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए, कंठ पड़ गया नीला भोले नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देव दानव हर्षाए, महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए। असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाने को देव दानव बैठे कतार में, सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारी करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
शिव कितने शक्तिशाली हैं, तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। देवों और दानवों के बीच में युद्ध हुआ घमासान, दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहराम। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म, धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन, तब इंद्र जी हो गए लाचार। सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार। एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए, सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं, तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन, समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं, तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा जल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर। महादेव की लीला लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं, सबको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, सागर मंथन से सारे घबराए। सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए, देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए। रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि को ली जो बचाए। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं, तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारे
गणेश शिव शंभो उनका कंठ पड़ गया नीला। शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी। देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए। कंठ पड़ गया नीला भोले नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देवदानव हर्षाए। महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए। असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय शंकर भगवान तुम्हें बारंबार प्रणाम। अमृत पाने को देवदानव बैठे कतार में। सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए। अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते। अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश। देव सारे करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय शंकर भगवान तुम्हें बारंबार प्रणाम। देवों और दानवों के बीच में युद्ध हुआ घमासान। दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहराम। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी। बढ़ने लगा धर्म धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन तब इंद्र जी हो गए लाचार। सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार। एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए। सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन। समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए। आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए। असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए। सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान को बना के मथनी सागर बीच बिठाया। मंदरा जल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव
के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर। महादेव की लीला लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निकला सागर मंथन से सारे घबराए, सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि खोली जो बचा। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। पी गए विष शिव शंभु, उनका कंठ पड़ गया नीला। शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए, कंठ पड़ गया नीला भोले नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देव दानव हर्षाए, महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए। असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाने को देव दानव बैठे कतार में, सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारी करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, घमासान। दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहराम। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म, धर्म की होने लगी हानि। छह
छिन गया इंद्रासन, तब इंद्र जी हो गए लाचार। सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार, एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए। सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन, समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा जल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर। महादेव की लीला लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सागर मंथन से सारे घबराए, सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि खोली जो बचाए। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव शंभु उनका कंठ पड़ गया नीला, शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए, कंठ पड़ गया नीला भोले नील कंठ कहलाए।
नीलकंठ का दर्शन करके देवदानव हर्षाए। महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए। असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाने को देवदानव बैठे कतार में, सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारे करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दानवों के बीच में युद्ध हुआ घमासान, दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहरा। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म, धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन तब इंद्र जी हो गए लाचार, सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार। एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए, सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन, समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा जल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर।
महादेव की लीला, लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं, सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निकला सागर मंथन से सारे घबराए, सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि खोली जो बचा। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं, तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। पी गए विष शिव शंभु, उनका कंठ पड़ गया नीला। शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए, कंठ पड़ गया नीला, भोले नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देवदानव हर्षाए, महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए। असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं, तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाने को देवदानव बैठे कतार में, सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारे करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं, तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, घमासान। दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहराम। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म, धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन तब इंद्र जी हो गए लाचार, सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार। एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए,
सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितनी शक्तिशाली है तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन, समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा जल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर। महादेव की लीला लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सागर मंथन से सारे घबराए, सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि को ली जो बचाए। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव शंभु उनका कंठ पड़ गया नीला, शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए, कंठ पड़ गया नीला भोले नील कंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देवदानव हर्षाए, महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए।
असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाने को देवदानव बैठे कतार में, सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारे करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दानवों के बीच में युद्ध हुआ घमासान, दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहराम। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म, धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन तब इंद्र जी हो गए लाचार, सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार। एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए, सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन, समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा जल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर।
महादेव की लीला, लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं, सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निकला सागर मंथन से सारे घबराए, सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि खोली जो बचा। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं, तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। पी गए विष शिव शंभु, उनका कंठ पड़ गया नीला। शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए, कंठ पड़ गया नीला, भोले नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देवदानव हर्षाए, महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए। असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं, तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाने को देवदानव बैठे कतार में, सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारे करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं, तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, घमासान। दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहराम। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म, धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन तब इंद्र जी हो गए लाचार, सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार। एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए,
सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितनी शक्तिशाली है तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन, समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा जल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर। महादेव की लीला लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सागर मंथन से सारे घबराए, सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि खोली जो बचाए। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव शंभु उनका कंठ पड़ गया नीला, शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए, कंठ पड़ गया नीला भोले नील कंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देव दानव हर्षाए, महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए।
असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाने को देवदानव बैठे कतार में, सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारे करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दानवों के बीच में युद्ध हुआ घमासान, दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहराम। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म, धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन तब इंद्र जी हो गए लाचार, सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार। एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए, सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन, समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा जल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर। महादेव की लीला लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं,
शिव कितने शक्तिशाली हैं, सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निकला सागर मंथन से सारे घबराए, सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि खोली जो बचा। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। पी गए विष शिव शंभु, उनका कंठ पड़ गया नीला। शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए, कंठ पड़ गया नीला भोले नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देवदानव हर्षाए, महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए। असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाने को देवदानव बैठे कतार में, सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारे करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, घमासान। दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहराम। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म, धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन तब इंद्र जी हो गए लाचार, सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार। एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए, सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बार।
विष्णु सब देवों से सुन लो मेरे वचन। समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। मंदरा जल को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा जल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगाकर। महादेव की लीला लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। विष निकला सागर मंथन से सारे घबराए, सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि को ली जो बचा। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव शंभु उनका कंठ पड़ गया नीला, शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए, कंठ पड़ गया नीला भोले नील कंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देवदानव हर्षाए, महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए। असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, पाने को देवदानव बैठे कतार में। सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में,
विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारे करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दानवों के बीच में युद्ध हुआ घमासान, दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहराम। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म, धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन तब इंद्र जी हो गए लाचार, सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार। एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए, सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन, समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा जल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर। महादेव की लीला लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निकला सागर मंथन से सारे घबराए, सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए।
लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले। नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले, विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि खोली जो बचाए। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव शंभु उनका कंठ पड़ गया नीला, शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए, कंठ पड़ गया नीला भोले नील कंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देवदानव हर्षाए, महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए। असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाने को देवदानव बैठे कतार में, सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारे करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दानवों के बीच में युद्ध हुआ घमासान, दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहराम। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन तब इंद्र जी हो गए लाचार, सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार। एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए, सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन, समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए।
अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा जल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर। महादेव की लीला लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सागर मंथन से सारे घबराए, सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि खोली जो बचाए। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव शंभु उनका कंठ पड़ गया नीला, शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए, कंठ पड़ गया नीला भोले नील कंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देवदानव हर्षाए, महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए। असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाने को देवदानव बैठे कतार में, सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारी करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास।
सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दानवों के बीच में युद्ध हुआ घमासान, दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहराम। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म, धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन तब इंद्र जी हो गए लाचार, सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार। एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए, सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन, समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा चल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर। महादेव की लीला लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निकला सागर मंथन से सारे घबराए, सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि खोली जो बचाए।
सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव शंभो उनका कंठ पड़ गया नीला, शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए, कंठ पड़ गया नीला, भोले नील कंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देवदानव हर्षाए, महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए। असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाने को देवदानव बैठे कतार में, सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारे करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दानवों के बीच में युद्ध हुआ घमासान, दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहराम। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म, धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन तब इंद्र जी हो गए लाचार, सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार। एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए, सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन, समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं,
शिव कितने शक्तिशाली हैं, तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जल को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा जल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर। महादेव की लीला लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं, सबको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। निकला सागर मंथन से सारे घबराए, सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि को ली जो बचाए। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं, तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। पी गए विष शिव शंभु, उनका कंठ पड़ गया नीला। शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए, कंठ पड़ गया नीला भोले नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देव दानव हर्षाए, महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए। असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं, तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। पाने को देव दानव बैठे कतार में, सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारे करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं, तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारे
दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहरा। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म, धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन तब इंद्र जी हो गए लाचार, सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार। एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए, सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन, समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा चल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर। महादेव की लीला लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निकला सागर मंथन से सारे घबराए, सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि को ली जो बचाए। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। पी गए विष शिव शंभु, उनका कंठ पड़ गया नीला, शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों
पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतल ताए, कंठ पड़ गया नीला भोले नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देवदानव हर्षाए, महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए। असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अमृत पाने को देवदानव बैठे कतार में, सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारे करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। देवों और दानवों के बीच में युद्ध हुआ घमासान, दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहराम। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म, धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन तब इंद्र जी हो गए लाचार, सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार। एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए, सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन, समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा जल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया।
जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन। अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर। महादेव की लीला लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान तुम्हें बारंबार प्रणाम, जय जय शंकर भगवान तुम्हें बारंबार प्रणाम। विष निकला सागर मंथन से सारे घबराए, सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि खोली जो बचाए। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव शंभु उनका कंठ पड़ गया नीला, शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए, कंठ पड़ गया नीला भोले नील कंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देवदानव हर्षाए, महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए। असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाने को देवदानव बैठे कतार में, सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारे करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दानवों के बीच में युद्ध हुआ घमासान, दानवों ने देवों को हरा कर मचा दिया कोहराम। राक्षस सारे अपनी अपनी करते मनमानी, बढ़ने लगा धर्म धर्म की होने लगी हानि। छिन गया इंद्रासन तब इंद्र जी हो गए लाचार, सारे देवता चिंतित होकर करने लगे विचार।
एक साथ में सारे देव विष्णु के पास में आए। सब देवों को चिंतित देख के विष्णु जी मुस्काए। सागर मंथन की बात विष्णु सबको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली है तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देवों से सुन लो मेरे वचन, समय आ गया करना होगा सागर का मंथन। विष्णु जी खुद राक्षस राज बलि के पास में आए, आके राजा बलि को अपनी सारी बात बताए। राक्षस राज बलि फिर सारे असुरों को बुलवाए, असुरों को सागर मंथन की योजना समझाए। अमृत पाने की इच्छा में राक्षस हर्षाए, सागर मंथन करने को देवों के साथ में आए। मिलके दोनों सागर मंथन शुरू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को बना के मथनी सागर बीच बिठाया, मंदरा चल का भार स्वयं विष्णु जी ने था उठाया। महादेव के वासुकी नाग को रस्सी था बनाया, देवों और दानवों ने अपना पूरा जोर लगाया। जो भी देखे दृश्य उसके नहीं झपकते नैन, अमृत पान करने को तब सारे थे बेचैन। सागर की लहरें रह रह कर उठती थी लहरा कर, कर रहे सागर मंथन सारे पूरा जोर लगा कर। महादेव की लीला लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निकला सागर मंथन से सारे घबराए, सारे सुर और असुरों को तब भोलेनाथ याद आए। देवर्षि नारद तब दौड़े शिव के पास में आए, रक्षा करो हे महादेव ऐसी आवाज लगाए। लीन तपस्या में थे शिव जी जब आंखें खोले, नारद जी घबराते हुए तब भोलेनाथ से बोले। विष निकला है मंथन से सूझे ना कोई उपाय, करके कृपा है भोलेनाथ सृष्टि खोली जो बचाए। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव विष पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। पी गए विष शिव शंभु, उनका कंठ पड़ गया नीला। शिव के अलावा संकट हरता कोई नहीं मिला। विष की गर्मी से तब व्याकुल हो गए भोले दानी, देवों ने भोले पे चढ़ाया गंगा जी का पानी। गंगा की ठंडक से भोले को शीतलता आए, कंठ पड़ गया नीला भोले नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ का दर्शन करके देव दानव हर्षाए, महादेव के चरणों में तब सारे शीश झुकाए।
असंभव को संभव भोलेनाथ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अमृत पाने को देव दानव बैठे कतार में, सभी थे अपनी बारी आने के इंतजार में। विष्णु जी तब मोहिनी रूप में अमृत कलश उठाए, अमृत पान अपने हाथों सब देवों को करवाए। आती राक्षसों की बारी तब घड़ा बदल देते, अमृत के बदले उनको सागर का जल देते। अमर हो गए देव सभी और राक्षसों का हुआ नाश, देव सारे करने लग जाके स्वर्ग में खुशी से वास। सारे मिलके भोले का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव कितने शक्तिशाली हैं तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान,